गाइस आज मैं जा रही हूँ पोखरा टू काठमांडू बाई। पता नहीं आज अभी मैं पोखरा के इस होटल पे हूँ। होटल अभी छोड़ने वाली हूँ और यहाँ से ये लेक साइड रोड पे है, तो यहाँ से हमें जाना है फिर टूरिस्ट बस पार्क पे। यहाँ पे दोनों बस पार्क है, एक नॉर्मल बस पार्क लोकल के लिए और एक टूरिस्ट बस पार्क है जहाँ से काठमांडू के बस छोड़ते हैं। पर सुने हैं बहुत सुबह सुबह सारे बस निकल जाते हैं, तो बस मिलेगी या फिर शेयरकार पे जाना पड़ेगा पता नहीं, तो वो भी आप देख ही रहे हैं। तो वीडियो के साथ साथ बने रहिए और देखते रहिए हम काठमांडू कैसे पहुँचते हैं। चैनल ट्रेवल एशिया देसी। तो आज हम सुबह सुबह अभी निकल चुके हैं पोखरा के होटल से और हम जा रहे लेक साइड, जिधर लेक है उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे टूरिस्ट बस पार्क के तरफ। तो होटल से हमें बोला गया कि 10 मिनट के पैदल चलते पहुँच जाएंगे, तो हम पैदल ही जा रहे हैं। अभी से सुबह 6:30 बजे है, अर्ली मॉर्निंग हमें बस पकड़नी है। पहले से हमें कुछ बुकिंग नहीं है, बुकिंग नहीं मिली इसलिए वहाँ जाके देखते हैं, इसलिए सुबह सुबह निकल गए। जो भी पहले वाला बस मिलेगा उस पर ही हम चलेंगे। ये देखिए, ये है टूरिस्ट बस पार्क। यहाँ पे दोनों बस पार्क है पोखरा के, तो हमें काठमांडू जाने के लिए टूरिस्ट बस पार्क में ही आना है। ये देखिए बहुत बड़ा बस स्टेशन है, यहाँ बस स्टेशन को या बस स्टैंड को बस पार्क बोलते हैं। देखिए कितने सारे बस खड़ी है यहाँ, यहाँ से हर जगह बस जाते हैं, काठमांडू जाते हैं, लुम्बिनी जाते हैं, दूसरे जगह पे जाते हैं, यानी कि दिल्ली भी जाती है, दिल्ली भी जाती है। तो ये देखिए यहाँ पे सब बस के नाम भी लिखा हुआ है, कहाँ जाएंगे वो भी लिखा हुआ है, ये देखिए। तो हम बस के पहले आके टिकट ले लिए हैं, हमारी बस 8:30 बजे छोड़ने वाली है। लगभग 8-9 घंटे लगेंगे बोले हैं काठमांडू पहुंचने में, मतलब जाते जाते शाम हो जाएगी। तो आज के पूरा दिन ही बस पे ही चलने वाले हैं। तो बस पे हम कैसे जाते हैं, बस जर्नी कैसी होती है, क्या करते हैं, वो ही आप देखेंगे। ये देखिए हमें यहाँ सुबह सुबह ब्रेकफास्ट ले लिए है, यहाँ पे ब्रेड और केक लिए है जो कि और एक एग लिए है बॉयल्ड एग और एक ब्लैक टी लिए है। सब मिला के हमें 240 नेपाली रुपीस देना पड़ा। और इसके बाद हमें बस पकड़नी है। ये देखिए हमारी बस आ गई है। हम चाहते थे कि यहाँ के जो सबसे अच्छी जो लग्जरी बस है वही पकड़े, क्योंकि सुने थे यहाँ पे रोड्स में थोड़ा डिफ़िकल्टीज है। तो पर वो पहले से ऑल बुक्ड हो गई थी, हम देर कर दिए बुकिंग करने में इसलिए हमें नहीं मिली। तो हमें जो मिली हम बस उसी पे चल पड़े और अभी बस छोड़ रही है। तो हमें ये जो बस मिली है ये है, हमें पीछे के बस थोड़ा पीछे के आगे वाली सीट भी बस मिले है, मतलब हम बिल्कुल लास्ट में ही आए बुकिंग के लिए। तो ये हम पोखरा को हम अभी बाई बाई करके इधर जा रहे काठमांडू के तरफ। रास्ते में भी बस रुकते हैं, ये देखिए अभी 5:30 पैसेंजर्स नहीं उठे हैं यहाँ पे। बस पे आपको यहाँ पानी भी दिया जाता है, तो पानी आके रख दिए हमारे सामने। तो बस पे जाते जाते आपको कुछ बातें बोल देते हैं कि पोखरा से काठमांडू आपको लगभग पड़ते हैं 201 किलोमीटर, अप्रोक्स 201 किलोमीटर, और जाने में बोलते हैं 8 से 9 घंटे लगेंगे, यानी कि शाम को 5-6 बज जाएंगे। तो कुछ देर रुक यहाँ थोड़ा रुके थे, उसके बाद फिर हम चल दिए। और अब रोड देखिए, रोड का कंडीशन कुछ ठीक नहीं है, आप समझ सकते हैं कितना हिल रहे। तो और इधर भी देखिए, इधर का व्यू अच्छे से नहीं दिख रहा, पर मैं इस साइड पे राइट साइड पे विंडो पे बैठी हूँ, तो इधर का व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ। ये हाईवे ही है पर पूरे
क्या बोलते जैसे हाईवे हम जानते हैं हाईवे वैसे जैसे होते वैसे नहीं है ये, बिल्कुल मिट्टी, कभी कभी मिट्टी का बना हुआ है, कहीं कहीं रास्ता बना ही नहीं है, अभी बन रहे देख रहे। तो ये देखिए उस दूर पे वादियाँ दिखाई दे रही है, पहाड़ दिखाई दे रही है, तो अच्छी व्यू आपको बहुत ही अच्छी मिलेगी। बीरगंज से जब हम पोखरा आए थे तो वो रात पे आए थे, कुछ देख नहीं पाए थे, व्यू आपको भी नहीं दिखा पाए, पर यहाँ पे व्यू बहुत अच्छी आपको दिखेगी। ये देखिए जैसे माउंटेन्स में ट्विस्टिंग रोड्स होती है जो देखने में मज़ा आती है, वैसे व्यू आपको यहाँ देखेगी। पर रास्ते का हालत सच में बहुत ही ख़राब है यार, हम देखे जगह जगह रास्ते बन रहे, शायद चाइनीज़ एड से बन रहे, क्योंकि चाइना के फ्लैग भी वहाँ लगा हुआ है, शायद चाइना यहाँ पे रास्ता बना रहा है। और ये देखिए यहाँ पे अभी थोड़ा स्नैक्स पैक हुए हैं, यहाँ गाड़ी रुके है, ये एक थोड़ा कैफ़े है, रेस्टोरेंट है, तो यहाँ हमें अभी लंच का टाइम ही नहीं हुआ, अभी जब हम ब्रेकफास्ट करके आए तो यहाँ से थोड़ा कुकीज़ ले लिए और केक ले लिए। ये देखिए ये है हमारा बस, टूरिस्ट एक्सप्रेस नाम है बस का, ये है बस का नंबर, या ध्यान रखे आपको हर गाड़ी का नंबर, बस या कार का नंबर आपको नेपाली नंबर पे दिखेगी, तो आपको नंबर भी पहचानना ज़रूरी है, क्योंकि आपको टिकट पे भी नेपाली नंबर भी लिखा रहेगा और बस पे भी लिखा रहेगा। ये देखिए सीट वैसा लग्जरी वाला सीट तो नहीं है, पर काफ़ी अच्छी है, ठीक ठाक है, कम्फर्टेबल है। ये मेरा सीट है, वैसे मैं कुकीज़ तो खाती नहीं हूँ क्योंकि कुकीज़ हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते, पर यह और कुछ कोई ऑप्शंस नहीं था, और अभी लंच ब्रेक के लिए बहुत देर है तो भूख लग जाएंगी, इसलिए हम खरीद लिए। और ये देखिए तो अभी लंच ब्रेक के लिए रुके हैं, अभी 2:30 बज चुके हैं, हम चिकन थाली ले लिए हैं यहाँ 400 रुपीस नेपाली में। ये देखिए ये P7 रेस्टोरेंट है, यहाँ पे रुके हैं। और हम बस का प्राइस भी हम आपको बोलते, रोड का कंडीशंस तब देखे ही है, और बस के टिकट के लिए आपको बस 1200 रुपये नेपाली देना है, यानी कि INR पे O750 है, सिर्फ 750 रुपये। और यहाँ देखिए एक रिवर है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे। तो ये जगह आपको कैसी लगी पूरी वीडियो, अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कुछ पूछना हो तो कमेंट कीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमेशा नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा। और हम फिर अभी पहुँच गए हैं काठमांडू के थैमेल पे, आपको फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।